तस्वीर, जिसमें हम हर बार रेडियो तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं एक खूबसूरत सी जगह की, और आज वो जगह है छत्तीसगढ़ का सिरपुर। महासमुंद जिले में महानदी के तट पर एक पुरातात्विक स्थल है सिरपुर। इसका प्राचीन नाम है श्रीपुर, और ये पहले एक विशाल नगर हुआ करता था। ये दक्षिण कौशल की राजधानी थी। तो फिर आप और हम मिलकर, मैं भावना, हम मिलकर बनाएंगे रेडियो तस्वीर छत्तीसगढ़ के सिरपुर की। अपनी महफिल में जिसे चाहें बुला सकते हैं आप, हम भला क्या हैं, सितारों को झुका सकते हैं आप। मौसम सुहाना है, दिलकश जमाना है, फिर भी उदासी है, ये रात प्यासी है। छत्तीसगढ़ के सिरपुर। आज सचमुच फिर से इतिहास को हम जी सकते हैं सिरपुर के बारे में जानकर। साथ ही सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर में जो ईंटों की संरचना है उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो सकते हैं। इतनी खूबसूरती से इस मंदिर को ईंट पर ईंट रखकर बनाया गया है। मतलब आप कहेंगे ईंट है तो क्या खास बात है, भाई उस युग में ये खास था, इस तरह से निर्माण करना खास था, और आज भी आप जब उसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सचमुच खास है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जा सकती, समझाई नहीं जा सकती, सिर्फ
महसूस की जा सकती हैं, देख कर उन्हें फील किया जा सकता है। इसके लिए तो आपको आना ही पड़ेगा छत्तीसगढ़ के सिरपुर। ये जो मंदिर है ना, लक्ष्मण मंदिर, इसकी दीवारों पर समरूपता और नक्काशी वाकई देखने लायक है। और मंदिर के जो स्तंभ हैं, उन स्तंभों पर कई शिलालेख खुदे हुए हैं जो उस युग के आम लोगों की जीवन शैली को दिखाता है। मतलब ये बताते हैं वो जो शिलालेख है कि किस प्रकार से उस युग में जो लोग थे वो जीते थे, किस प्रकार से उनकी जीवनचर्या होती थी, वो सब चीजों को दिखाने की कोशिश की गई है। और अगर ध्यान से देखेंगे ना तो पता चलता है कि हाँ, सचमुच हम इतिहास के करीब हैं। समझ सकते हैं कि वो लोग किस प्रकार से अपने दिनचर्या को चलाते थे, किस प्रकार से वो खाते पीते थे या क्या क्या करते थे, वो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। यानी ये मंदिर आपको इतिहास में लेकर जाएगा। और जो मानव निर्मित वास्तुशिल्प है ना यहाँ पर, वो देखकर सचमुच आश्चर्य होता है। Thank you.
बुद्ध विहार, ये ऐसी जगह है यहाँ जहाँ पर पर्यटक तो जाते ही हैं, जो बौद्ध तीर्थ यात्री हैं उनके लिए भी बहुत खास जगह है ये। यहाँ की खुदाई की गई थी और खुदाई से पता चला कि यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां और पत्थर जमीन के अंदर दबे हुए थे, जो इस बात का पक्का पक्का सबूत है कि एक समय ऐसा था जब यहाँ जो बौद्ध गतिविधियां थी वो बहुत अधिक थी, सक्रिय केंद्र था बौद्ध गतिविधियों का, ये बात साबित होती है इस बात से। इन मूर्तियों में एक खास बात है, देखें तो लगता है कि दिल के करीब हैं, और सिर्फ बौद्ध तीर्थयात्री नहीं, इतिहासकारों का भी ध्यान इन मूर्तियों पर, पत्थरों पर गया, क्योंकि एक के बाद एक कड़ी जो जोड़ते हैं ना इतिहासकार, वो इन्हीं के द्वारा जोड़ी जाती है, जो बताते हैं कि किस तरह से इनको किया गया होगा या कैसे इनको रखा गया होगा या कितने समय पुराना है, किस समय ये हुआ होगा, ये सब कड़ियों को जोड़ने के लिए जरूरत पड़ती है इन सब चीजों की। तो जो इतिहास को जानना चाहते हैं और जो करीब से महसूस करना चाहते हैं हजारों साल पुरानी बातों को, उन्हें यहाँ आना जरूर चाहिए, है ना। अद्भुत चमत्कारिक वास्तुशिल्प आप देखेंगे यहाँ पर, और वास्तुकला की जो सुंदरता होती है ना असली, वो बौद्ध विहार में, बुद्ध विहार में आपको देखने को मिलेगी। सचमुच हैरान कर देने वाली ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी वास्तुकला आप देखेंगे कि लगता है कि मतलब कितना कुछ छिपा है हमारे इतिहास में, हमारे भारत में, हमारी मिट्टी में, कितने खास हैं हम। मगर लगता है कुछ ऐसा मिल गया, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। ये मौसम ये रात चुप है, वो होंठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। ये मौसम ये रात चुप है, वो होंठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी दास्तां। नजर बन गई है दिल की ज़बान, न तुम हम जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हम। मोड़ पे हम मिले सब को छोड़ के, हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले सब को छोड़ के, हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां। चली आज दोनों जाने कहां, न तुम हमें जानो
कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। एएसआई संग्रहालय ये भी बहुत सारे आश्चर्य अपने अंदर समेटे है सिरपुर में। बहुत से लोग जो सच्चे बौद्ध और हिंदू सांस्कृतिक साक्ष्य की तलाश में यहाँ आते हैं वो यहाँ पर आकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये संग्रहालय सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर के परिसर में है और बहुत कुछ बताता है आपको हिंदू बौद्ध और जैन धर्म जैसे अलग अलग धर्मों की संबंधित जो है वो उत्साहपूर्वक तैयार की गई मूर्तियां। अगर आप देखेंगे तो मूर्तियां इतनी सुंदर आपको दिखाई देंगी, आपको लगेगा जैसे अभी बोल पड़ेंगी। और जो सबसे ज्यादा अद्भुत चीज देखने को मिलेगी आपको वो है चतुर्मुखी शिवलिंगम, बहुत फेमस है यहां पर। इसके अलावा वारन वापारा, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो बार और नवापारा। ये जगह क्या है, यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक आते हैं, ये अपने हरे भरे मैदान अपनी ठंडी हवा के साथ हम सबका यानी जो भी यहाँ पहुंचते हैं उनका गर्म जोशी से स्वागत करती है ये जगह। सिरपुर के बिल्कुल बीचों बीच है ये, यहाँ लगभग 15 किलोमीटर के करीब दूर होगा बस। जो बार नवापारा है ये जगह बहुत फेमस है, यहाँ पर आते हैं बहुत सारे पर्यटक। क्यों आते हैं, अब उसका एक कारण है क्योंकि वन्य जीव अभ्यारण्य है यहाँ, जिसे बार नवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। कई दुर्लभ जंगली जानवर जंगली पौधे यहाँ पर आपके देखने को मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि काफी रोमांचक है इसकी यात्रा करना, बहुत अच्छा लगता है और ठंडी ठंडी हवा और मौसम उसकी तो बात ही और है। है अपना दिल तो आवारा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। अजब है दीवाना, न दर न ठिकाना, कमी से बेगाना, फलक से जुदा। अजब है दीवाना, न दर न ठिकाना, कमी से बेगाना, फलक से जुदा। ये एक टूटा हुआ तारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। जमाना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। जमाना देखा
देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का, सफर में है ये बंजारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा, हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा, जमाने भर का नाकारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। Hangzhou is the place to be. As the 19th Asian Games being held in China, India field 634 athletes at these games across 38 different sports. Akashwani will bring you a lot of action, reactions, highlights and updates throughout the 15-day continental event. The best of sports and sports stars, only on Akashwani. आइए स्वच्छता पखवाड़े में 1 अक्टूबर को एकजुट होकर एक घंटे के लिए सुबह 10 बजे श्रमदान कर पूज्य महात्मा गांधी जी को स्वच्छ भारत की स्वच्छांजलि दें। स्वच्छता कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए swachhatahisewa.com पर जाएं। Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, Think Vidya Mandir. पुकारार हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे, तुमने पुकारार हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे, तुमने पुकारार हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे, हमारे पहलू में पनाह ले लो, मेरी जलती हुई आँखों पे ये आँखें रख दो, ए मेरे प्यार के ख्वाबों की हंसी शहजादी, होंठ क्यों कांप रहे हैं जरा कुछ तो बोलो, तुमने पुकारा हम चले आए,
जान है तेरे पर ले आए रे, तुमने पुकारा और हम चले आए, जान है तेरे पर ले आए रे, तुमने पुकारा और हम चले आए। मुझको छू लो, मेरी नस नस में शरारे भर दो, मेरे दिलदार मेरी आँखों में रहने वाले, मैं तुम्हारी हूँ, मेरी बाग में तारे भर दो, तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे, तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे, तुमने पुकारा और हम चले आए। नाम रोशन है तुम्ही से मेरे अफसाने का, जिंदगी नाम है उल्फत में जिए जाने का, तुम अगर हमको न मिलते तो ये सूरत होती, लोग ले जाते जनाजा तेरे दीवाने का, तुमने पुकारा चले आए, जान है तेरे पर ले आए रे, तुमने पुकारा और हम चले आए, जान है तेरे पर ले आए रे, तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल है तेरे पर ले आए रे, आज प्रोग्राम तस्वीर में हम चले आए हैं छत्तीसगढ़ के सिरपुर और साथ में आपको भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि 12वीं शताब्दी में जो सिरपुर का बालेश्वर मंदिर है उसका परिसर मलबे में दब गया था और हाल ही में इसकी खुदाई की गई। मंदिर परिसर का जो नाम है वो राजा महाशिव गुप्त बाला अर्जुन को श्रद्धांजलि देने के लिए रखा गया है। हाल ही में खुदाई की गई, मतलब कुछ वर्ष पूर्व ही इसकी खुदाई की गई है। और लोक कथाओं में भी ये जिक्र है कि राजा महाशिव गुप्त बाला अर्जुन ने ही इस मंदिर परिसर का निर्माण कराया था, और सिर्फ इस मंदिर परिसर का ही नहीं, उन्होंने सिरपुर और उसके आसपास कई मंदिरों का निर्माण करवाया था। पिछले कुछ सालों में पुरातत्व विभाग राजा की कई मूर्तियों की खुदाई उन्होंने की है, उन्हें निकाला है और उनकी खासियत जानने की परखने की कोशिश कर रहे हैं। वो परिसर के हर कोने में लगभग 3-4 मंदिर हैं और ये सभी मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं। पुरातात्विक स्थल है सिरपुर, यहाँ पर आप इतिहास को और बहुत सारी ऐसी बातों को जान सकते हैं जिनको जानकर आपको लगेगा कि अच्छा, हमारा भारत इतना खास है, इतना गहरा इतिहास है हमारा, और इतनी चमत्कारिक चीजें हमारी भारत भूमि के नीचे दबी हुई हैं। इतना खास महत्व होने के कारण, ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए
छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से हर साल यहाँ पर सिरपुर महोत्सव मनाया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है। और छत्तीसगढ़ के जो विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है सिरपुर में, माघ पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर 3 दिवसीय सिरपुर महोत्सव होता है, जिसका सबको इंतजार रहता है। और खास बात पता क्या है कि ये जो सिरपुर महोत्सव है, इसमें आधुनिकता के दौर में भी प्राचीन संस्कृति और भव्यता को बनाए रखा जाता है। यहाँ की युवा पीढ़ी को यहाँ की बौद्ध विरासत, लोक कला और संस्कृति को जानने का अवसर मिलता है इस महोत्सव में, इस आयोजन में। और सिरपुर लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, जिसे देखने, महसूस करने देश विदेश से लोग यहाँ पहुंचते हैं। ऐसे तो ना देखो के हमको नशा हो जाए, ऐसे तो ना देखो खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, तो ना देखो स्वच्छता पखवाड़े में 1 अक्टूबर को एकजुट होकर 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे श्रमदान कर पूज्य महात्मा गांधी जी को स्वच्छ भारत की स्वच्छांजलि दें। स्वच्छता कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए स्वच्छता ही सेवा.com पर जाएं।
Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, think Vidya Mandir. बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। ये दिल लगी ये शौखियाँ सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की, कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। सुने मेरी सदा तो किस यकीन से, घटा उतर के आ गई जमीन पे, रही यही लगन तो ऐ दिले जवान, असर भी हो रहे गायक हसीन पे, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व का सिरपुर। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर सिरपुर अपनी इसी ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के लिए आकर्षण का केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर ये 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच दक्षिण कोसल की राजधानी थी। सिरपुर सांस्कृतिक और वास्तु कौशल की कला का अनुपम संग्रह है। लोग दूर दूर से यहाँ की वास्तुकला, यहाँ की संस्कृति को देखने आते हैं। भारतीय इतिहास में सिरपुर अपने धार्मिक मान्यताओं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण दोनों के कारण आकर्षण का केंद्र है। वर्तमान में भी देश विदेश के पर्यटक यहाँ आते हैं और यहाँ के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा दुख लगता है। दुख इस बात का लगता है कि
लोग आ रहे हैं, विदेशों से आ रहे हैं, हमारे देश में आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं, और कभी कभी कुछ नादानियां जो हैं वो दिल को दुख आ जाती हैं। जैसे कि कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि कुछ मतलब ऐतिहासिक धरोहर है उस पे पेंसिल से कुछ लिखने लग गए हैं, या फिर प्लास्टिक के जो बॉटल्स हैं, या फिर कुछ खाया है तो वो पॉलिथीन के रैपर्स हैं वो वहीं पर हम छोड़ देते हैं। ऐसा मत कीजिए प्लीज, ये हमारा देश है, हमारी धरोहर है, हमारा सम्मान है, इसे संभाल कर रखना, इसे स्वच्छ रखना, इसे इसकी ही ओरिजिनल रूप में रखना हमारी जिम्मेदारी है। आप ऐसा मत कीजिएगा, और अगर किसी को ऐसा करते देखें तो गुस्से में प्यार से समझा दीजिएगा। जरा ठहरो, जरा ठहरो, सदा मेरे दिल की जरा सुनते जाना। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल मरना भी मुश्किल। आँखों में इकरार की झलकी, होंठों पे इनकार, जीना भी मुश्किल होए मरना भी मुश्किल। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल है मरना भी मुश्किल। जिस दिन से देखा तुमको, तुम लगे मुझे अपने से, और आके रहे आँखों में, और आके रहे आँखों में एक मन चाहे सपने से। समझ न आए क्या जीता मैं और गया क्या हार, जीना भी मुश्किल मरना भी मुश्किल। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल है मरना भी मुश्किल। प्यार छुपा के हारे, मैं प्यार जता के हारा, अब तो सारी दुनिया पे, अब तो सारी दुनिया पे जाहिर है हाल हमारा। पहुंच के इस मंजिल पे लौटना अब तो है दुश्वार, जीना भी मुश्किल मुश्किल। सचमुच लौटना दुश्वार हो जाता है जब इतनी खूबसूरती, इतनी बातें पता चलती हैं। छत्तीसगढ़ का सिरपुर सचमुच है खास। मंदिर सुरंग टीला है, यहाँ पर राम मंदिर भी है, एक यहाँ पर जो लक्ष्मण मंदिर के पास ही है गंधेश्वर महादेव मंदिर है, और स्वास्तिक विहार है। ये वो जगह है स्वास्तिक विहार जहां पर बौद्ध ध्यान किया करते थे, जो बौद्ध अनुयायी है वो ध्यान किया करते थे। बहुत खास जगह है यहाँ पर देखने के लिए, जानने के लिए, तो फिर पधारिए, आइए सिरपुर, छत्तीसगढ़ के सिरपुर। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा।
देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। किस कसूर की दी है मुझे सजाएं, क्या जाने किस कसूर की दी है मुझे सजाएं, दीवाना कर रही है तौबा शिकन अदाएं, जुल्फों में मुंह छुपा कर मुझको लुभा रही, देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। घबरा रही है खुद भी बेचैन हो रही है, घबरा रही है खुद भी बेचैन हो रही है, अपने ही खून दिल में दामन डुबो रही है, बेजान रह गए हम, बेजान रह गए हम, वो मुस्कुरा देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। रूठ कर नहीं जा रहे हैं हम, बिल्कुल खुश होकर जा रहे हैं और आप भी खुश रहें इस कामना के साथ जा रहे हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी, स्वीकार कीजिए भावना का नमस्कार। कलाकार बेमिसाल 12:10 पर अनुपम होंगे आपके साथ, लेकिन उससे पहले